यहाँ पे आ गई हूँ मैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे, बस बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे आते ही। नियत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज बीच में नहीं आती, तो वही हुआ है और आप एग्जांपल देख रहे हो सामने। सर कैसा लग रहा है जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबको मुबारक हूँ, मुबारक हो, सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। इन्होंने ढोल ताशों का गिद्दे का कैसा दिया? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यकीन नहीं आ रहा। अभी 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 वेलकम होना है अभी। सर कैसा लग रहा है आपको? मेरे शक्ल से दिख रहा होगा मुझे कैसा लग रहा है। मैं खुश हूँ और शौक हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है। और जब नियत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज बीच में नहीं आती, तो वही हुआ है और आप एग्जाम्पल देख रहे हो सामने। हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। तो अब पहले कोई हुई कि फैमिली का वीजा, कितने दिन का वीजा मिला आपको? हम मुझे मिला है 45 डेज का। मैं 5-6 साल से इंतजार कर रहा हूँ और हम लोगों ने बात करना शुरू की थी 2018 में। मैंने उनकी पहली फोटो देखी थी मम्मी के फोन पे और बोला था मम्मी मुझे इनसे शादी करनी है। तो आपका अब वो मौका आ गया है कि मैं उनको रिसीव करने आ रहा हूँ इंडिया, और इंशाल्लाह इनकी शादी, हमारी शादी होगी साथ अभी कलकत्ते में। अरे बहुत दिक्कत आई, 4 साल से, 4 साल पहले पसंद की थी ये बहू, मेरी कजिन है मेरे बेटे की, मतलब मेरी बेगम के कजिन की बेटी है ये, तो रिश्तेदारी तो हमारी है ही, तो इसने पसंद की और फिर हमने रिश्ता चलाया और बातचीत करके आगे बढ़े। वीज़ा एप्लीकेशन करते रहे लगातार, फैमिली का वीज़ा करते रहे, 2-3 बार अप्लाई हुआ, रिजेक्ट होता रहा होता रहा। लेकिन मैं मानूंगा समीर का सब्र और समीर का पेशेंस कि किस तरह से समीर ने और जवेरिया ने इसका हैंडल किया और फाइनली भारत सरकार ने जवेरिया को अकेली को वीज़ा दिया ताकि वो आके अब शादी कर सके। तो ये बहुत बहुत मेहरबानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनकी दिल की बात सुनी और इनको एक किया। मैं चाहूंगा दोनों गवर्नमेंट आपकी स्पेशली मैरिज केसेस के लिए वीजा अलग से करें और हेल्प करें। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आई थिंक ये एक अलग से एक वीजा होना चाहिए, मेरी ये हो रही है। आपका क्या कहना है इस पे? जैसे कई कपल्स हैं जो वहां फंसे हैं, उनको गवर्नमेंट में कैसे सपोर्ट देना? मैं ये इसी चीज को लेकर मैंने भी यही कहना है कि ये वीजा की खासतौर पर कपल्स के लिए वो प्रोसेस अलग से होना चाहिए।